नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक। इस वक्त हम एक मस्जिद के बाहर हैं। यहाँ पे जो मुसलमान भाई मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि जो नीतीश कुमार ने सीए के खिलाफ जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, क्या उस वजह से मुसलमानों के अंदर नीतीश कुमार के लिए कुछ पॉजिटिव सोच आया है या कुछ बदलाव हुआ है या वो अभी भी लालू प्रसाद यादव के साथ है। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे यहाँ पे क्या लगता है नीतीश कुमार के लिए कुछ पॉजिटिव आप लोग हुए हैं मुसलमान? नहीं, पॉजिटिव तब होते जब ये बीजेपी के साथ पहले थे, हट गए थे, फिर बीजेपी के साथ ही चले गए। क्या भरोसा ये बोले और वहाँ से इनको नहीं, अगर इनको इनका बात नहीं माना जाएगा तो इन पे भरोसा कैसे कर लें हम लोग? खुद यही कभी इस दल में कभी उस दल में, हो सकता है आज इसमें हैं कल हो सकता है किसी और पार्टी में विलय कर जाए। तो इन पर अब इनको पलटने से अब इस घोषणा से भी कोई विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आप नीतीश कुमार भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पलटू राम है, राता राती पलट जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, लेकिन एनआरसी के खिलाफ पास किए हैं प्रस्ताव, तो करबे किए, लेकिन हर मुसलमान तो खिलाफ है। अच्छा, कोई मुसलमान नहीं चाहता है कि नीतीश बैठे या चाहे मोदी बैठे। अच्छा, मुख्यमंत्री आप नीतीश को नहीं बनाइए? नहीं बनना चाहिए, बहुत अच्छा है ना बने तक। अच्छा, अब लालू का राजा है सरकार, कांग्रेस का राजा है, यही सब आया, बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार काम नहीं किए क्या? ना कुछ काम ना किए, काम कब किए? लालू जी से भरोसा है काम? लालू जी बदम भरोसा है। अच्छा, लालू जी किस किया है, इतना सताया नहीं है मुसलमान को। हाँ, नीतीश से जाता है गांधी मैदान में टोपी पहन के मुसलमान को दिखाता है कि हम टोपी पहने हैं, मुसलमान है, और फिर बदल जाता है। अच्छा, वो तो गर्दन उतरा पे लोग लगा हुआ है। अगर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर रहना चाहते हैं तो एक पहलू में पहुरे हैं, बार बार जो पलटी मारते हैं इनको नुकसान है, जनता तो अपने जगह पर ही है, कमा रहा है खा रहा है, ठीक है। एक पहलू पर रहेंगे तो उम्मीद है कि अगर मुसलमान इन्हीं को वोट देगा, काहे कि इनके अलावा कोई चेहरा दूसरा है नहीं, नीतीश कुमार का इनके अलावा कोई दूसरा है नहीं। और इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, जनता देख रही है। रहा सवाल हमारा बिहार, बहुत शांति है मिला जुला करके, जो अभी दिल्ली में हो रहा है वो चीज़ हमारे बिहार में नहीं हो रहा है। एनआरसी के खिलाफ हर जगह आवाज़ उठ रहा है, ये बहुत अच्छे बात सोचे हैं कि हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, आके जैसे जनगणना पहले होता था वैसे जनगणना आके करें, हम लोग देने के लिए तैयार हैं अपना। लेकिन बीजेपी के साथ है नीतीश कुमार तो दिक्कत नहीं है? बीजेपी के साथ तो नीतीश कुमार अगर हैं तो ये तो जनता को बहुत तकलीफ है भाई, कि कभी इनके साथ कभी उनके साथ रहते हैं, ये नहीं होगा। ये अगर छोड़ देते हैं तो मेरा दावा है कि बहुमत से आ जाएंगे। समर्थन जो ये किए हैं पार्लियामेंट में और उसके बाद ये मौखिक बोल रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। विधानसभा में पारित किया गया? हाँ, विधानसभा में पारित किया, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अगर यही पारित करना रहता तो यहाँ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर देती, जब इतना रहता तो। जब केंद्र ने किया है या केंद्र के साथ मिल करके बिहार की जनता को बड़गला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी जो मुसलमान है वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं आया नीतीश कुमार के लिए, अभी भी उनके खिलाफ ही है? मुसलमान इनके साथ कभी नहीं है, शुरू से नहीं है। अच्छा, आप देख सकते, कोई भी है आप इनके पार्टी में देखिए, कोई ऐसा मुसलमान नेता है जो इन अल्पसंख्यकों के लिए चाहे किसी भी समाज के लिए खड़ा रहे चाहे करे, मुसलमानों के लिए इन्होंने शुरू से कुछ नहीं किया। ये तो शुरू से अपने कुर्सी की राजनीति किए हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए, कभी बीजेपी में कभी आरजेडी में। फिर 2020 में मुसलमान किसके साथ है? 2020 में लालू यादव के साथ है मुसलमान। अच्छा, लालू यादव ने समझौता कभी नहीं किया अपने सिद्धांत के साथ। अच्छा, अगर आज वो सिद्धांत के साथ समझौता किए हुए रहते तो वो भी आज जेल में नहीं रहते, जेल के बाहर रहते। आज वो हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, हक के लिए, बिहार के विकास के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी के खिलाफ में बोल रहे हैं। बीजेपी का जो एजेंडा है वो एजेंडे पर बिहार में वो नहीं काम कर सकते, इसलिए वो जेल में है। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव? मुसलमान के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हम तेजस्वी साथ हैं। आप तेजस्वी के साथ हैं, आप किन के साथ हैं? भी तेजस्वी। तेजस्वी है, नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है क्या आपको? क्यों, काम वाम अच्छा नहीं लगा उनका, कार्यकाल पसंद नहीं आया? सब कुछ अच्छा लगा, उनका पलटने वाला काम अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि पलट जाएंगे? अच्छा, धोखा देने सबसे आगे। लेकिन अभी तो एक बड़ा काम किया एनआरसी के खिलाफ, वो एक बहलावा दिया गया है। अच्छा, ठीक है, मुसलमानों को एक बहलावा दिया गया कि हम एनआरसी के खिलाफ, सीए पे काम हो रहा है तो एनआरसी कहां से घुसा जा रही है? अच्छा, आपकी मांग है सीए के खिलाफ बिल पारित? हाँ, सीए जो पहले जनगणना होती थी उसी जनगणना पर आए, ये सीए एनआरसी एनपीआर के चक्कर में ना पड़ाए किसी को। तेजस्वी यादव आएंगे तो आपको लगता है काम वाम करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा मुसलमान? हम लोग 15 साल भी उन्हीं के राज में रहते हैं,
और हाँ, और आज ये नहीं भी है तो भी हम लोग उन्हीं के साथ हैं। अभी फिलहाल जो हिंदुस्तान के अंदर में मोदी अमित शाह जो हैं, जो अभी जो की कर रहे हैं, तो दुनिया देख रहा है कि पूरे हिंदुस्तान को जला रहे हैं, ठीक है। अब रहा सवाल कि मोदी जी के से मेरा एक सवाल है कि शुरू में जब 5 साल रहे तो बहुत विदेश यात्रा की है, अब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो भी एक इंसान है, कोरोना वायरस से वो डरते हैं क्या? हाँ, कोरोना वायरस से वो भी डरते हैं क्या? मोदी जी कोरोना वायरस से डर रहे हैं, एकदम डर रहे हैं। अमित शाह भी डर रहे हैं, सब अंदर पैक हो गए हैं, कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है बहुत अच्छे से है, बहुत नियंत्रण में है। यहाँ रोज सुन रहे हैं कि बढ़ ही रहा है। अब 30 पार कर गया सर, 30 पार कर गया है सर, तो क्या नियंत्रण में है? यानी लोग मरता रहे फिर भी कहे कि मेरा देश बहुत फायदे में है, ये गलत है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इसलिए दौरा नहीं कर रहे हैं कि कोरोना वायरस आ गया है? मोदी जी अमित शाह जी दौरा करें, एक बार विदेश यात्रा, खास करके चीन जाएं, जो जहां से फायदा हुआ है वहां जाएं। या आप अपने प्रधानमंत्री को खतरे में डाल रहे हैं, चीन भेज रहे हैं? प्रधानमंत्री, उनको एहसास होना चाहिए कि जनता का दर्द क्या होता है। जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, फ्लाइट पर चढ़ेंगे, जमीन पर नहीं उतरेंगे, तो जनता का दर्द का एहसास उनको नहीं होगा। इंतजाम तो कर रहे हैं ना, जो मरीज है इंतजाम क्या कर रहे हैं वो तो जनता देख ही रहे हैं। आज कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं बचा है हिंदुस्तान का जो कोरोना वायरस जो है अभी फैला हुआ है वो जाके देखें। चलिए, आप इनसे जानेंगे कि क्या लगता है, नीतीश कुमार पे भरोसा कीजिएगा, तेजस्वी यादव उनसे बोलिए।